रंगसा नि तखोक्सों उखोक्सों नरक नाइतोंगो ताबुक टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल पुलानो सिनी रिचाप करंग बुखोकनि सिनी मुंगसों खनालायने प्लीज आनि मुंग प्रिया देव बर्मा आओ तीनी दिन सिनी तिरिंग बिसी कताल पाला लाय जत पाल बक्सा जत जागा खातम खा जाका पाला लाय हंगे तीनी हंगे सिंगो जागा फाइजाक जागानि थायनि मुंगु सारिसेनो बरो काथालो स्टेट लेभेल तिरिंग जत खातम खा जाका पाला लाय तंगलायो हंगे सिनी ति प्रा हास्थो क मुंगु जागा बबो हाइके पाला लाय तंगलायो आबन बागै जत न हेपी तिरिंग हंगे ते सिनी सिक्ला सालाय रनो कन्या मुसुंगु आसंगनो तीनी ते तिरिंग नि सालन र कताल लांगमा संसा सिदि न रक जे हामिया माने केफेक माने रक साइ तंग माने रक आबो सायाखै बेला खे सानाय हामबाय प्रासाद कम्युनिटी हमारा कम्युनिटी हमारा पार्टी से बड़ा होना चाहिए। हमारा जमीन हमारा पोस्ट से बड़ा होना चाहिए। और मैं आपको प्यार क्यों करता हूं जानते हो? क्योंकि मेरा परिवार आप लोग हैं। और अगर आपको सम्मान मिला, अगर तीप्रासा को हमारा बुकुंबरा को सम्मान मिला, अधिकार मिला, तो एक ना एक दिन आपका आशीर्वाद भी मेरे पास आएगा। यहां में मां लोग हैं, बुमा लोग हैं, बुरी लोग हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपना बच्चा को देखो। आपका जिंदगी तो गया, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आज हमने थानसा रखा तो आपका बच्चे के पास अधिकार होगा, जमीन होगा और भविष्य भी होगा। तो 500 रुपए के लिए, थोड़ा चुआक के लिए, थोड़ा सा पैसा मिल गया, पोस्ट मिल गया पॉलिटिकल पार्टी से, उसके लिए अपना तीप्रासा का जो इंटरेस्ट है, जो हमारा एक भविष्य है, हमारा जो अधिकार है, उसको मत भूलिए। हम लोग हानि भूसा है, हां कि नहीं? अगर हानि भूसा है तो आज अपना ही राज्य में हम लोग क्यों माइनॉरिटी है? आज क्यों बांग्लादेश से लोग ज्यादा यहां में है? क्योंकि हम लोग के पास थानसा नहीं था। हमने हमेशा अपने बारे सोचा, अपने बच्चे के बारे नहीं सोचा, इसके लिए आज हमारा ये परिस्थिति है। लेकिन नया साल आ रहा है, एक नया साल आएगा, नया साल के संग नया सोच भी लाओ। चेंज योर थिंकिंग, परिवर्तन लाओ, अपने अंदर लाओ। आप कंट्रोल नहीं कर सकता है अगरतला में क्या हो रहा है, आप दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर सकता है। सैक्रिफाइस सिर्फ भाषण से नहीं होता है, सैक्रिफाइस सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बलिदान सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मैं पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया, मैंने एक कमिटमेंट लिया है कि अपने गरीब तीप्रासा को उनका जमीन, उनका अधिकार और उनका भविष्य को जब तक मैंने ठीक नहीं किया, जब तक मैंने अधिकार नहीं दिया, आपको आपका राइट्स नहीं दिया, तब तक बुबाग्रा अकेला फाइट करते रहेगा। जिंदा रहूं या मर जाऊं, लेकिन अपना तीप्रासा को बेचकर बुबाग्रा आगे नहीं जाएगा।
मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपना तीपरासा को उठाना है। और अगर तीपरासा को उठाना है तो बुबागरा को भी अपना बारे कम सोचना पड़ेगा, अपना जाति के बारे सोचना पड़ेगा ज्यादा। आज स्प्रिंग है, यहां में हम लोग आए हैं। अगर इलेक्शन होता तो सब नेशनल लीडर्स बीजेपी से, कांग्रेस से, सीपीएम से यहां में बैठा रहता, क्योंकि वोट चाहिए आपका। लेकिन आज क्योंकि इलेक्शन नहीं है, कोई नहीं आएगा। और हम लोग हमेशा वैसे ही लीडर को हम लोग रिग्नाई पहनाते हैं, रिसा देते हैं, फूल देते हैं, उनको उठाते हैं। ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखकर आपके पास आते हैं। जब मैं पहले बार मूवमेंट फॉर कॉक ब्लॉक के लिए आया था 2007 में, यही लीडर उठे बोलता स्ट्रिंग में मत जाओ, स्ट्रिंग का मतलब कुछ और है। मुबागरा तब भी गया। ये लोग सिर्फ इलेक्शन देखकर पीपरासा को बेवकूफ बनाने के लिए, वोट के लिए आपका इमोशन से खेलते हैं। लेकिन आज का पीपरासा इतना बेवकूफ नहीं। आई वॉन्ट टू टेल द पीपल फॉर द मूवमेंट फॉर कॉक ब्लॉक दैट इफ यू हैव टू यूनाइट, वी हैव टू टेक ऑल कम्युनिटीज टूगेदर, whether they are Ramlongs, Darlongs, our blue brothers and sisters, Ramkhols, Kolois, take everyone together. मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक या दो तीन बात बोलने के बाद मुझे गवर्दी भी जाना है, खुमरंग भी जाना है, और कल कंचनपुर, ओमपी, बहुत बहुत जगह में जाना भी है। आज थोड़े दिन के, थोड़े घंटे के बाद स्प्रिंग है, एंड आई वॉन्ट टू विश एवरी पीपरासा, दिल से मैं सबको हैप्पी स्प्रिंग बोलना चाहता हूं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ये कम्युनिटी का प्रोग्राम है, ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये तोहफा का है बात। तो मेरे तीपरासा लोग, मेरा मैसेज सिर्फ एक ही है, बहुत लोग तीपरासा को कमजोर करने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए अलग अलग रकम से, अलग अलग तरीके से, कभी कोई रिलीजन के नाम में, कभी कोई जाति के नाम में, कभी पैसा देकर, कभी लालच देकर हमें बांटने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर तीपरासा एक रहा तो आने वाले दिन में तीपरासा का भविष्य और अच्छा होगा। लेकिन अगर हम अपना एकता को नहीं रख सके, अगर ठानसा को नहीं रख सके, अगर हम पॉलिटिक्स के नाम में, रिलीजन धर्म के नाम में, कोई रियांग है, कोई देव वर्मा है, कोई कॉलोय है, कोई रामकोल है, कोई दारलोंग है, कोई त्रिपुरा है, इस नाम में अगर एक दूसरे से लड़ते रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तीपरासा त्रिपुरा में नहीं रहेगा। अगर आपको अपना नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अगर आपको अपना बच्चा के बारे चिंता है, तो आज आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो कल हमारा नेक्स्ट जनरेशन बच्चा लोग जो है, वो लोग का भविष्य बहुत खतरे में पड़ेगा। महाराज रो कावक सुनो चाहते कथा नुसंगे तीन पांडा चैंसे।